अपने माउस कर्सर के आइकन पर अपना खुद का नाम या आइकन या इमेज कैसे लगाएं, आइए जानते हैं एक छोटी सी वीडियो में एक छोटी सी इंट्रो के बाद। पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने फोटोशॉप ओपन कर लिया है और उसके बाद नया कैनवास लेने के लिए आप फाइल में जाइए, न्यू पे क्लिक कीजिए, नया कैनवास आ जाएगा। या आपका उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो नया कैनवास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऊपर में नाम दे देते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए। हम दे देते हैं आइकन कर्सर, और आइकन कर्सर नेम देने के बाद नीचे हाइट और वेट, हाइट और वेट 32 रखेंगे क्योंकि एक आइकन फाइल है इसलिए हम 32 रखेंगे। और यहाँ पिक्सल हम चूज करेंगे, पिक्सल जो है यहाँ ट्रांसपेरेंट रखेंगे क्योंकि यह आइकन फाइल बन रहा है इसलिए हम PNG में सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम कंट्रोल प्लस इसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लासो टूल का यूज लेंगे। एक एरो को ड्रैग करने के लिए लासो टूल बेस्ट है। आप जैसे भी एरो को ड्रैग करना चाहते हैं आप एरो को ड्रैग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। हम लासो टूल का यूज लेकर एरो ड्रैग कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए हम एरो को ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर एरो ड्रैग हो गया है और इसे हम सिलेक्ट करेंगे। कलर पे जाएंगे, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा भी चाहिए। हमको रेड कलर चाहिए तो रेड कलर सिलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे। और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस डिलीट, जी डी नहीं डिलीट वाली बटन को प्रेस करना है। ऑल्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कलर जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना नाम देना चाहते हैं कुछ भी, यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज लेंगे। टेक्स्ट टूल का यूज लेने के बाद कुछ इस प्रकार से हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेते हैं। जब अपना नाम टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट का कोई सा भी कलर दे सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हम राहुल टाइप कर रहे हैं। राहुल टाइप करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मूव टूल सिलेक्ट करेंगे और इसका अरेंज करेंगे। अरेंज करते ही आप यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। अब कंट्रोल माइनस हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कैनवास है छोटा हो जाएगा, यानी जूम आउट हो जाएगा तो नाम जो है फ्रेश लगेगा देखने में, ठीक है। और आगे हम देखिए, और फिर हम कंट्रोल प्लस दबाएंगे कैनवास बड़ा हो जाएगा यानी जूम इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आइकन को अरेंज कर लिए हैं और यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद कैनवास को सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो है आइकन कर्सर बनके तैयार हो चुका। अब इसको हम सेव करेंगे कहीं PNG फॉर्मेट है, PNG फॉर्मेट में हम जो सेव करें तो इसको कहीं भी हम यूज में ले सकते हैं। तो सेव करने के लिए जाएंगे फाइल पे, फाइल में क्लिक करेंगे और फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम कोई सा डेस्कटॉप चुन लेंगे, जहाँ आप सेव करना चाहते हो लोकेशन चुन लीजिए। और नीचे हम चुन लेते हैं PNG फॉर्मेट, क्योंकि यह एक आइकन फाइल इसलिए हम PNG फॉर्मेट देंगे। और PNG फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर नाम दे देते हैं आइकन कर्सर, या आप कोई सा भी नाम दे के सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यह जो आइकन है एरो आइकन यह डेस्कटॉप पे सिलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आइकन बनकर तैयार हो गया। कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो यहाँ पे जूम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक PNG फाइल है जिसको हमें कन्वर्ट करना है ICO फाइल में। हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे, और वहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे ऑनलाइन ICO कन्वर्टर। ऑनलाइन ICO कन्वर्टर सर्च करने के बाद कुछ इस तरह के सारे वेबसाइट आ जाएंगे। आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो चलिए हम ऊपर वाला वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं, ICO कन्वर्टर क्रिएट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने फाइल को सिलेक्ट करें या अपने ड्रैग करके यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए हम अपने फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ भी हमारी फाइल सेव है, हमारी फाइल डेस्कटॉप पे है तो वहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ग्रीन बटन है जहाँ पे लिखा है स्टार्ट कन्वर्सन। यहाँ स्टार्ट कन्वर्सन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट कन्वर्सन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो कन्वर्ट है PNG फाइल है वो ICO फाइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो PNG फाइल है ICO फाइल में कन्वर्ट हो चुका है और नीचे डाउनलोड भी हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज में दिखाते हैं और यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ICO फाइल ये जो है हमारी ICO फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम आपको PNG फाइल दिखाते हैं, PNG फाइल को भी देख लीजिए। जब दोनों फाइल को आप जूम करके देख सकते हैं, इसलिए हम जूम कर देते हैं इसको। आप देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप पे एक PNG फाइल है
और एक जो आइकन फाइल है। चलिए हम दोनों को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जाएंगे अपने माई कंप्यूटर में और सी ड्राइव को खोलेंगे। सी ड्राइव में जाएंगे विंडोज में। विंडोज में जाने के बाद हम आएंगे कर्सर में। कर्सर को हम थोड़ा ढूंढ लेते हैं, एक कर्सर मिल गया। कर्सर पर क्लिक करेंगे और कर्सर पर आने के बाद हम आइकन फाइल को कॉपी करेंगे, या बेहतर रहेगा कि यहाँ से कट करने के बाद आएंगे। कट करने के बाद आएंगे कर्सर में। कर्सर में आने के बाद पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी हमारी आइकन फाइल। अब जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे विंडोज प्लस आर बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ हम माउस को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ भी हमारी माउस है उसे ढूंढेंगे और माउस को ओपन करेंगे। माउस को ओपन करने के बाद यहाँ कुछ ऊपर में कुछ इस सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे बॉटम, पॉइंटर। तो हमको पॉइंटर पे क्लिक करना है। पॉइंटर पे क्लिक करना है, नॉर्मल सिलेक्ट। यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी जो आइकन फाइल पेस्ट किया है उसे हम ढूंढ लेंगे, या टाइप उसका आइकन का नाम जो है टाइप करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ हमारी आइकन फाइल आ चुका है और यहाँ से अप्लाई करते हैं और हमारे कर्सर पे जो हमारे खुद की आइकन बनाई हुई आप देख पा रहे हैं हमारे कर्सर के साथ आ चुका और यहाँ से हम ओके करने के बाद यहाँ पे हमारी जो कर्सर है वो सेव हो जाएगी। वापस एक बात बता दूँ कि आपको वापस जैसा था वैसा करना है, ठीक करना है तो कुछ नहीं करना है। कंट्रोल पैनल माउस में जाना है। माउस में जाने के बाद नॉर्मल सिलेक्ट पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, पहले जैसे आपकी कर्सर हो जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा हो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे तो वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज के लिंक दे, या फिर आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।